सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज मेरा दिल दुख से भरा हुआ है और उसकी वजह एक ऐसी खबर है जिसने मुझे सोने नहीं दिया। ऐसा होता है कि जब हम भी सेंसिटिव लोग हैं, हमारे सामने भी इस तरह की कुछ खबरें आती हैं जिसमें तशद्दुद हो या लोगों के साथ जुल्म किया जाए, तो हमारे भी दिल में दुख होता है, हमारी भी आँख भर आती है। और बाज़ औक़ात तो आँखों और ज़ाहिर दिल पर और आंसुओं पर काबू पाना हमारे लिए और भी मुश्किल हो जाता है। एक और हवा की बेटी जुल्म का निशाना बनी और ऐसा हुआ कराची के बाद जो दूसरा सिंध का बड़ा शहर है हैदराबाद, वहाँ हैदराबाद में एक लड़की जो कि 4 बच्चों की माँ थी, उसको इतना बदतरीन तशद्दुद किया गया कि वो अपनी जान से चली गई। और तशद्दुद करने वाला कोई और नहीं, उसका अपना शौहर था। उसको इतना मारा गया, इतना उस पर तशद्दुद किया गया कि वो लड़की जो इसलिए वो रिश्ते को निभा रही थी कि अगर उसने तलाक ले ली तो सोसाइटी उस पर क्या कहेगी, लोग क्या बातें बनाएंगे। लेकिन मैं ये समझती हूँ, एक औरत होते हुए हर उस लड़की से और उस बच्ची से जिसकी शादी हो रही है या होने वाली है या जो शादीशुदा है, कि माँ बाप अपनी बेटियों को बसने के लिए भेजते हैं, जानवरों के हवाले नहीं करते। अगर किसी जानवर से आपका वास्ता पड़ जाए तो वापस लौट आओ, ये माँ बाप को ज़रूर कहना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि डोली में जा रही हो तो लाश तुम्हारी आनी चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए, ये बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए। एक जान चली गई और पीछे अपने 4 मासूम बच्चों को वो छोड़ गई। हैदराबाद में जो एनी यानी कि कुरतुलैन बलोच, उस लड़की का नाम 32 साला, जिसे एनी कहा जाता था, उसकी डेथ हो गई। पूरी सिविल सोसाइटी इस पर सरापा एहतजाज है, लेकिन उन बच्चों का क्या बनेगा जो जान से चले गए। अब अगर आज हम ये बात कर रहे हैं और इंतहाई तकलीफ के साथ मैं ये बात कर रही हूँ, तो ये सोचना होगा कि हमारी सोसाइटी किस तरफ जा रही है, हमारी ऊपर किस तरह के साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, क्या हो क्या गया है हमारी कौम को कि हम इस तरीके से एक दूसरे के साथ बर्ताव करते हैं कि हमें किसी की जान की परवाह भी नहीं होती है। और डोमेस्टिक वायलेंस का बिल भी आ चुका है, उस पर भी बड़ी बातें बनाई गई हैं। तो आज हम इसी खबर से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। मेरे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं नज़ीर लगारी साहब, सीनियर तजियाकार हैं, एडिटर इन चीफ हैं बोल न्यूज़ के, हमें कराची स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं। मुसर्रत शीमा साहब अभी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। गुलाम शब्बीर आरई हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं हैदराबाद से, पहले ज़रा हम उनसे इस खबर के मुतालिक बात करते हैं। शब्बीर, ये कब का वाक़या है, इसमें अब तक क्या पेशरफ्त हुई है, क्या गिरफ्तारी हो गई है, तो आगे क्या कुछ हो चुका है इस केस में अब तक? ये बिल्कुल अफसोसनाक बात जो है होता है, जहाँ सूरत में 32 साला जो खातून है उसका कदर किया जाए एरीगेशन कानून से, और बल्दिया थाने के वाक्या पेश आया है। जो शुरू हो रहे हैं उस पर यह इल्ज़ाम आयद किया गया है मुस्ताक जानब से कि उसने इसका जो है तशद्दुद के बाद, घरेलू तशद्दुद के बाद उसका कत्ल किया है, और मुसलसल जो है 6 घंटे तक जो है वो मुसलसल उसका निशाना बनाता रहा है, उसके बाद कत्ल कर दिया गया है। मैं आपको बताऊँ कि बल्दिया थाने की बहुत एरीगेशन में यह वाक़ा और जराये से जब मालूम किया तो पता चला कि शहर ने मुसलसल जो है उसका निशाना बनाया है, और इसकी जो शादी है वो 2011 में हुई थी और ये अरेंज मैरिज थी, और जो शोहर है उनका नाम है उमर खालिद मेमन, जो कि साबिक सेक्रेटरी हैं एलिगेशन के, खालिद मेमन उनके बेटे हैं और ये अक्सर रुकू वाले लोग हैं। अक्सर रुकू, अच्छा, तो वो फ्रेंड में ये इल्ज़ाम अभी लगाया है कि और उसके बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये खातून जो है उनके ज़ाहिर तौर से जो है वो तशद्दुद के निशाना पाए गए हैं, जिसम के चेहरे पर तशद्दुद के निशाना पाए गए हैं, बाजुओं पे पाए गए और मुख्तलिफ किस्म के पेशे। ठीक है गुलाम शब्बीर आरई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हमें बता रहे। बहन हमारे साथ मौजूद हैं कुरतुलैन बलोच की, बिस्मिल्ला, बहुत शुक्रिया जी। मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है कि मैं आपसे क्या बात करूं। सबसे पहले तो बहुत ही अफसोस है मुझे, आपकी बहन इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन जिस शख्स के साथ शादी हुई थी कुरतुलैन की,
क्या आप लोगों को मालूम था कि वो उसे तशद्दुद का निशाना बनाता है? नहीं देखिए, शुरू में तो हमें कुछ भी पता ही नहीं थे और कि वहाँ पे क्या होता है, लेकिन शादी के बाद मेरे ख्याल से 6-7 माह के बाद ये स्टार्ट हो गया। फिर हमने बहन को बोला कि तुम डाइवोर्स ले लो, तो हम कहा चलो ठीक है। तो उसने डाइवोर्स के लिए अप्लाई किया तो वो ब्लैकमेल करता था उसे। फिर बाद में उसकी बच्ची हो गई तो सबने कहा कि बच्ची हो गई है तो ऑब्वियस हो जाएगा। हमें तो पता नहीं था ना कि ऐसा करेगा। वैसे वो उसे मारता था, जब भी घर आती थी तो वो आके हमारे घर के सामने तमाशा करता था। 2-3 बार हमने उसे अरेस्ट करवाया जब उसने अपनी छोटी बच्ची का बाजू तोड़ दिया। तो हमने उसे अरेस्ट करवाया तो वो आज निकल गया पुलिस को 2 लाख देके। अच्छा, अरेस्ट करवाया था आप लोगों ने? जी जी, 2-3 बार अरेस्ट करवाया था हमने। एडवोकेट से बात की थी डाइवोर्स के लिए। हम ऐसे नहीं है कि ऐसा तुम जाओ डाइवोर्स लोगी तो लोग क्या कहेंगे, ये नहीं। हमने साफ साफ बोल दिया था कि भाई हम नहीं छोड़ेंगे उसे और तुम डाइवोर्स दे दो, जान छोड़ो हमारी। लेकिन दरवाजे पे आके तमाशे करता था, रोज पड़ोस वाले देखते थे, सारे सुनते थे। फिर बाद में 3 बार जब हमने उसे अरेस्ट करवाया तो पुलिस को वो मतलब आधा घंटा भी वो नहीं था ना लॉकअप में। उसने पुलिस को 2 लाख दिया, पुलिस ने उसको छोड़ दिया। तभी इसने अपनी छोटी बच्ची का बाजू तोड़ दिया। तो उसके बाद ये बीच में बहन को मारता था। बहन ने कहा मैं नहीं चलूंगी। बहन ने अपने ससुर को कॉल की तो उसने उसको ब्लॉक कर दिया। अच्छा, जो खुद आए थे रिश्ता लेने उसने उसको ब्लॉक कर दिया। और अभी तो देखिए उसकी आप पिक्स देखे, उसमें सारा वाजे है कि उसको किस टॉर्चर से इस बंदे ने मारा है। ठीक है, लेकिन ना तो वो तस्वीरें देखी गई। आप लोगों की हिम्मत को सलाम है कि आप लोगों ने कैसे ये सब कुछ बर्दाश्त किया। आपकी बहन ये बर्दाश्त करती रही, आप लोग उसको घर लेकर क्यों नहीं आ गए? आपने अब जो खैर अब जो मामला हो रहा है, जो पुलिस कर रही है, क्या उससे आप लोग मुतमईन हैं अब तक जो पेश रफ्त हुई है? देखिए पुलिस का तो ज्यादा नहीं पता, लेकिन उसे वहाँ पे सारी फैसिलिटीज मिली हुई है। वो व्हाट्सएप पे ऑनलाइन हो रहा है और ना ही उसे, जैसे किसी को गिल्ट होता है ना तो उस बंदे को कोई गिल्ट नहीं है। वो कोर्ट में आ रहा है तो हाथ उठा के सलाम कर रहा है लोगों को, जैसे कि उसने कोई कारनामा किया हो। और हमें नहीं लगता कि पुलिस उसको कोई टॉर्चर वगैरह कर रही है। हालांकि उसके फादर ने हमें ये 10 करोड़ की ऑफर की है कि मैं आपको देता हूँ और आप लोग केस वापस कर लो। अच्छा, तो क्या वो 10 करोड़ के बदले में हमें हमारी बहन देगा? सही बात। और हमें तो ये भी डाउट हो रहा है कि वो लोग मीन्स के ये जो उसके रिपोर्ट वगैरह है, डीएनए रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ये भी चेंज न कर लें, क्योंकि उनमें तो सारा नुमाया है ना कि उसको किस तरह से टॉर्चर किया गया उस बच्ची को। और उसकी एडवोकेट वहाँ पे ये कह रही है कि वो सीढ़ियों से गिर के गिरी है जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। हालांकि उसके घर में तो कोई सीढ़ियाँ है ही नहीं। सीढ़ियाँ जब है ही नहीं, चलो सबको सीढ़ियों से गिरी है तो उसके फेस पे कैसे जख्म आ गया, उसके गले पे कैसे आ गए, उसका दांत टूटा हुआ है सारा, ये सब कुछ कैसे आ गया, उसके पूरे जिस्म पे निशान थे बॉडी पे। अगर आप देखते ना तो क्या हालत थी। मेरी माँ हार्ट पेशेंट है, मेरी माँ की इतनी हालत बुरी हो गई है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इंसाफ थोड़ी ना मिलता है, यहाँ पर तो पैसा चलता है ना। बिस्मिल्लाह, हम आपकी आवाज पहुँचा रहे हैं कामे बाला तक। हम चाहते हैं हुकूमत, इंतजामिया, पुलिस अफसरान, तमाम लोगों तक आपकी बात पहुँचे, अदालतों तक आपकी बात पहुँचे कि कव्वा की बेटी को इंसाफ चाहिए। ये तासुर ख़त्म हो कि यहाँ पैसा चलता है, यहाँ इंसाफ नहीं होता। हम आपके साथ हैं, आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान भी, बिस्मिल्लाह बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। मुझे राना एहसान साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, और डॉक्टर मुईज़ हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि माहिर नफ्सियात हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का। पहले मैं मुसर्रत चीमा साहिबा से बात करना चाहूँगी जो कि ज़ाहिर पॉलिटिशियन भी हैं, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है और एक खातून हैं। मुसर्रत साहिबा, इतनी अफसोस की बात है कि हम आज 21वीं सदी में खड़े हैं, हम आज यहाँ पर बिल्स पास करवा रहे हैं, यहाँ पर कानून साजी हो रही है, डोमेस्टिक वायलेंस पर बात हो रही है, लेकिन आज भी एक डोमेस्टिक वायलेंस एक खातून की जान ले लेता है, उसका शौर उसको इतना मारता है कि वो जान से चली जाती है। पीछे उसके 4 बच्चे हैं जो पता नहीं कब से अपनी माँ के साथ ये सब कुछ देखते रहे होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सुमैया। आई एग्री विद यू। इस अफसोसनाक वाक़े के ऊपर जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए वो कम है कि ये हादसा होने के बाद वो तो अपनी जान से चली गई, लेकिन वो जो 4 महरूम बच्चे, वो यतीम बच्चे जिन्होंने अपनी माँ के साथ एक तो जुल्म होता देखा और फिर वो जुल्म इतना हुआ कि वो दुनिया में ना रही, तो आगे जा के जब ये बड़े होंगे तो ये किस तरह के शहरी होंगे और इनकी क्या तरबियत होगी। दूसरी बात,
मैं बड़े दुख के साथ, मुझे वाकई आपसे मैं एग्री करती हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। मैं दो तीन पहलू यहाँ पे आपके चैनल के तवसुत से अवाम के आगे भी रखूँगी और उनसे इल्तजा भी करूँगी। बिल्कुल हमारा मुआशरा एज ए मुस्लिम या हमारा जो ईस्टर्न कल्चर है वो तरगीब देता है, अच्छी बात है घर बसाना, घर को जोड़ के रखना, लेकिन ये इतना बड़ा नुकसान है जो आज अब उनका रहेगा। जी हाँ, इंसाफ उन बच्चों को हम दिलाएंगे। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस नहज तक चीज़ें जाने से पहले की जो एपिसोड्स हुई, आपने खुद सुना, जो हमारी बहन जो दुनिया से चली गई हैं उनकी जो बहन फरमा रही थी, मेरा मानना यह है कि ये बात जैसा कि उन्होंने खुद कहा कि आखिरी उस बेचारी के मर्डर्स के आने से पहले जो एक मुसलसल टॉर्चर, और मैं कहती हूँ आफरीन है कि वो यहाँ तक, यानी कि जिसकी शादी के सातवें महीने के बाद इस तरह का टॉर्चर शुरू हुआ तो वो बेचारी सहते सहते आखिरकार गई दुनिया से। और ये पता नहीं कितनी है, ये तो केस रिपोर्ट हो गया है जिसमें कितने केसेस होते हैं जिसमें उन बच्चों के खातिर मर्द को माफ़ किया जाता है कि अब माँ नहीं रही तो बाप भी नहीं रहेगा, फिर उसके बाद पैसा चलता है, और फिर उसमें मैं और आप और पुलिस क्या करें जब घर वाले खुद ही अपना केस वापस ले लेते हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, मैं आपके चैनल के तवसुत से सियासत किए बगैर मैं अपील करती हूँ, क्योंकि देखें प्रो विमेन का नारा लगाते हैं हमेशा पीपल्स पार्टी वाले, और वो हैं भी, तो उनको और आसफा भुट्टो साहिबा जो कश्मीर में एक कैंपेन चला रही है उनको चाहिए कि वो इसके ऊपर दोनों बहनें ट्वीट भी करें और एक्शन भी लें। मैं शर्मिला फारूकी से, मैं हमारी बहन जो पहले मेरे साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स में होती हैं, शैला रजा से मैं अपील करती हूँ कि हम सारी औरतें, जब हम काहे की लीडर है, जब हम कोई बेसिक होने की जरूरत है, ये एक ऐसा जुल्म है जो कि जारी रुकना चाहिए, लेकिन वैसे थे कौम हम कहाँ करें, हमें हो क्या किया है डॉक्टर साहब, क्या हो गया है हमें हमारी सोसाइटी को, हम किस तरफ जा रहे हैं जहाँ पर हम सिर्फ जुल्म की दास्तानें देखते हैं, कहीं घर में तशद्दुद होता है, कहीं घर से बाहर तशद्दुद होता है, ये हो क्या गया है हमें? पहली तो बात यह है कि आज मीडिया वो काम कर रहा है जो बहुत सारे रियासती इदारों को करना चाहिए। अगर ये मीडिया में न्यूज़ ना आती तो शायद उस औरत की बात लोगों तक पहुंचती नहीं और शायद इंसाफ भी नहीं होता। मुझे नहीं पता अब इंसाफ होगा कि नहीं होगा, मगर मैं आपको बता दूं कुछ मर्द और कुछ औरतें फितरती तौर पर तशद्दुद पसंद और जालिम होते हैं। जिन बच्चों के माँ बाप पर जुल्म किया गया या बच्चों पर जुल्म किया गया, वो बड़े होकर भी वो तशद्दुद की तरफ माइल होंगे। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जब ये औरत के साथ ये सब हो रहा था तो उसको फौरन घर छोड़ देना चाहिए था। अच्छा, क्यों छोड़ा? अगर छोड़ा भी उसने तो वो घर पे रात को आ गया। कुछ भी हो, जो कुछ भी हो, माँ बाप को चाहिए कि अब अपने बच्चों के लिए, खासकर बेटियों के लिए, जिस किस्म का माशरा हमारा संगदिल बेहिस हो चुका है, अदम बर्दाश्त खत्म हो चुकी है, अब हर शख्स को, यानी मैं आप हर शख्स को, हमें शहरी पुलिस बनना होगा, हमें एक दूसरे की हिफाजत करनी होगी, और माँ बाप को अपने बच्चों पे जिन बेटियों की शादी करके ससुराल भेजते हैं उस पर नजर रखनी होगी। अगर बेटियों के साथ जुल्म तो माँ बाप को उठ के सपोर्ट करना होगा। देखिए अभी हम सब जमा है इस वक्त ना, हम बात करेंगे आधे घंटे, घंटे के बाद एक और ब्रेकिंग न्यूज आ जाएगी, बिल्कुल ये वाकया कुछ रहेगा फिर भूल जाएंगे ना। तो हम एज अ शहरी, एज अ सिटीजन, हम में से हर आदमी वो काम करे जो काम पुलिस को करना चाहिए था या अदालत को करना चाहिए था, जो कि नहीं हो रहा, ये मैं और आप अच्छी तरह जानते हैं। इसके अलावा क्या कह सकता हूँ, ये नफ्सियात नहीं है, ये खुदगर्जी है। जिस इंसान के पास ताकत हो, चाहे वो दौलत की हो, इक्तदार की हो, वो जो चाहे जुल्म करता है दूसरों के ऊपर, उसे पूछने वाला कोई नहीं, क्योंकि उसको पता है। आपने बड़ी प्यारी बात की है डॉक्टर साहब कि उसको पता है कि कुछ नहीं होना, इसीलिए ये सब चीज़ें हो रही होती हैं, और जो मीडिया किरदार अदा कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन सबको बहसे थे खुद अपनी अपनी जगह अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुसैन साहब, हमारे साथ मौजूद थे। लगारी साहब, जब पता होता है कि कानून की बालादस्ती नहीं है, पैसा दे दिया जाएगा, एक शख्स छूट जाएगा, हर जगह पैसा चलता है, ये एक मुतासरा खातून है जो ये बोल रही हैं, कुरतुलैन बलोच की बहन ने अल्फाज बोले, और हर वो शख्स ये बात जानता है कि अगर वो ताकतवर नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, तो उसके साथ जुल्म होगा, वो उसको सहना है। हम हर शख्स बहसियत शहरी अपना अपना किरदार क्या अदा कर सकता है जब कानून नहीं अदा करता अपना किरदार? सुमैया, मैं बात नहीं कर सकता, ये बहुत दुख है बच्ची का, जिसने 10 साल तक ये सदमे सहे, ये दुख देखे,
एक बेटी, उसके पास एक रास्ता होता है कि वो शेल्टर देखती है, अगर घर के हालात ऐसे हैं तो बाप की तरफ और माँ की तरफ देखती है। और बाप और माँ अगर कहें बेटा निभा का लो बस, वो अगर कहे कि तशद्दुद हो रहा है या ज़्यादती हो रही है या नाइंसाफ़ी हो रही है या वो गैर ज़िम्मेदार है या वो क्राइम करता है या वो जराइम करता है, इस केस में तो बिल्कुल खुली बात है, ताकत का नशा है, बाप सेक्रेटरी और जनाब बेटा बादशाह, और बेटा ने जो चाहे वो करे, जिस तरह से उसने उस बच्ची पर तशद्दुद किया, जिस वहशियाना बेदर्दाना ज़ालिमाना तरीके से उसने तशद्दुद किया, हमारी सोसाइटी अगर उसको सज़ा देनी चाहती है तो मौत का बदला मौत नहीं है, उसको इस अज़ियत का एहसास दिलाया जाए कि तुम देखो अज़ियत होती क्या है, तुम भुगतो इस अज़ियत को। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जी फला सज़ा नहीं होनी चाहिए, इस तरह की सज़ा नहीं होनी चाहिए, एक आदमी क्रिमिनल होता है तो फिर स्टेट को इस तरह का रवैया नहीं अख्तियार करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये हमारी अप्रोच भी ठीक नहीं है, हमारा हम समझते हैं कि रूल ऑफ लॉ अगर नहीं है, अगर कानून नहीं हिसाब कर सकता है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाकर बताया जाता है कि जिस मुलजिम की आप सज़ा माफ़ कर रहे हैं ये 3 साल पहले 4 साल पहले फांसी पर चढ़ चुका है, तो कानून क्या कर रहा है, लॉ इन्फोर्समेंट की एजेंसियां क्या कर रही हैं, इंसाफ देने वाले क्या कर रहे हैं, वो तो शेड्यूल बना कर देते हैं कि बाप चाहे वो कुछ भी करता रहे उसके लिए तो ये शेड्यूल है, इसके मुताबिक आप उनकी मुलाकात करवाएं, फलां करवाएं, ये सारा कुछ तो उनके मुताबिक होता है। चार बच्चे होगा क्या, ये कानून आगे आएगा, मेरी बहन ने कहा और मुसरत मुझे बहुत अच्छी लगती हैं बहन के तौर पर, इन्होंने कहा कि कानून अपना काम करेगा। कानून क्या करेगा, कानून बोलेगा कि इन बच्चों का बायोलॉजिकल वारिस इनका बाप है और इसका इसका हक है कि ये उनको साथ ले जाए, और वो किसी ना किसी तरीके से अपने आप को बेगुनाह करके साबित करके 1 साल में 1.5 साल में या 6 महीने में वो बरी हो जाता है, जिसको परवाह ही नहीं है तो क्या होगा, वो कहेंगे बरी हो गया जी, उस पर तो इल्ज़ाम ही गलत था, लिहाजा बच्चे उनके हवाले कर दो। एक बेरहम सफाक आदमी के हाथ जिसने उन बच्चों की माँ को कत्ल कर दिया तशद्दुद करते हुए, ना सिर्फ ये लगाई साहब, बेटी का भी हाथ तोड़ दिया, वो अपने बच्चों बेटी के का हाथ तो बहुत पहले तोड़ चुका था ना, ये एक चीज हो चुकी थी, इसके बाद तो उस बच्ची को पेरेंट्स को और उनके जो लड़की के बहन अगर बहन भाई हैं उनको हर हालत में रोक लेना चाहिए था, चूंकि वो सेक्रेटरी का बेटा है, चूंकि वो सेक्रेटरी जो है खालिद मेमन साहब बड़े असर रसूख वाले हैं, वो जाकर अपने बेटे को बचा लेंगे। मुसरत की बात को मैं इंडोर्स करता हूँ और मैं शिद्दत से मुतालबा करता हूँ बख्तावर भुट्टो जरदारी से, आसफा भुट्टो जरदारी से, अपनी ये बहनें हैं बच्चे हैं ये, और शैला रजा के बारे में कहा जी, शैला को आगे आना चाहिए, शर्मिला को आगे आना चाहिए, हमारी जो शाजिया मरी है उन्हें आगे आगे, नफीसा शाह को आगे आना चाहिए, भाई इस केस को आखिर तक ले जाएं, बंदे के सजा पाने के बगैर नहीं इसको हटना चाहिए, पीपल्स पार्टी इकदार में रहे ना रहे, कल हूं या ना हूं, अगले इलेक्शन में आए ना आए, लेकिन इस बात को तय कर लें कि इस शख्स को किसी सूरत में कोई रियायत नहीं मिलनी चाहिए, सॉलिड एविडेंसेस के साथ बिल्कुल सही, और सॉलिड प्रोसिक्यूशन के साथ, प्रोसिक्यूशन वाला पैसे ले लेगा, इन्वेस्टिगेशन वाला ही पैसे ले लेगा, और उस तरह से जाकर इंतहाई अदब है, इंतहाई एहतराम है, हमारे पास कोई और पनाह नहीं है, पनाह हमारे पास अदलिया है, अगर अदलिया में बैठे लोग भी इस तरह की चमक दमक का शिकार हो जाए तो लोग तो बर्बाद हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। आप सही कह रहे हैं लगारी साहब, ये तासुर खत्म करने के लिए खुद ही आगे आना पड़ेगा, हमें जो इल्म होता है वो हमारे लिए अजाब होता है, हम कहते हैं कि जो चीजों का हमें इल्म है रोशनी है तबाह तो बर्मन भला शुदी, कि ये हमारे अंदर की रोशनी हमारे ऊपर बला बनी हुई है, हमारे ऊपर एक ऐसी मुसीबत बनी हुई है, हम तो डर रहे हैं कि जनाब बात करेंगे तो फलां चीज हो जाएगी, फलां चीज हो जाएगी, हम भी इस बात का वो करें,
अदलिया को खुद इसको मॉनिटर करना चाहिए। पॉइंट टेकन, आपकी बात बिल्कुल बड़ी बजा है और बड़ी ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। राणा साहब, आप क्या अपना टेक देंगे इस सारे मामले पर? देखिये, नहायत ही अफसोसनाक वाकया है और ये हकीकत है कि पाकिस्तान जो है एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। आज भी जो फीमेल्स हैं उनके पास वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है जो मर्द इंजॉय करते हैं, और जब तक ये मामलात ऐसे ही रहेंगे, बदकिस्मती से इस तरह के वाकयात आएंगे जहां आपने लॉज जो हैं वो तो इनैक्ट कर दिए। आपने विमेन प्रोटेक्शन बिल, हरासमेंट का बिल, एसिड एंड बर्न क्राइम का बिल, आपने सब कुछ बना दिया, लेकिन लगारी साहब ने राइटली पॉइंट आउट किया कि असल मामला है प्रोसिक्यूशन, लॉ इन्फोर्समेंट का, वहां तवज्जो देने की जरूरत है। और ये के लिए वो लॉज मौजूद हैं तो उनको प्रोटेक्शन दें, और जब तक वो, ये मैं समझता हूँ कि उनकी उनके कोर्सेज में हमारे सिलेबस का ये हिस्सा बनना चाहिए है कि बच्चियों को पता हो कि उनके क्या राइट्स हैं और वो किस तरीके से अगर कोई ज्यादती उनके साथ हो रही है, कोई वायलेंस हो रहा है, तो वो उन लॉज को किस तरीके से अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, देखें शादीशुदा जो जोड़े होते हैं जहां डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा होता है, वो खातून जो है वो उसके पास वो पैसा ही नहीं होता कि वो अपनी जो है उसको इस्तेमाल में लेके आए। वो इतनी फाइनेंशियली डिपेंडेंट होती है कि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं अवेलेबल होती। जो विमेन क्राइसिस सेंटर्स हैं उनको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरोज को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, और ये अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है। देखें, ये एक हकीकत है पाकिस्तान की, ये जो वाकया आपने बताया, इस तरह के दर्जनों वाकयात होते हैं डेली बेसिस पे जो रिपोर्ट भी नहीं होते। और मैं समझता हूँ कि सियासत से बियॉन्ड हमें ये बात करनी चाहिए कि हमें जरूरत है। आपने बड़ा अच्छा किया कि इस मामले को आपने हाईलाइट किया, अब इसलिए रेगुलरली मीडिया को भी हाईलाइट करना चाहिए और इसको अख्तताम तक, जब तक ये नहीं अपने अख्तताम पे पहुंचता केस, इसको आए बगाए जो है फॉलो अप होना चाहिए। बिल्कुल सही, हम इसको फॉलो अप लेंगे, जरूर कोशिश करेंगे। यहाँ तक जो भी किरदार हम अदा कर सकते हैं अपनी हैसियत के मुताबिक, मीडिया जिस तरह आवाज़ बुलंद कर सकता है, हम ज़रूर उठाएँ और कोशिश करें कि हुक्काम बाला तक, मुअज़्ज़ज़ अदालतों तक ये मामला पहुंचाएं ताकि ये इनको इंसाफ मिल सके, बल्कि ऐसे केसेस जो रुलमा हो रहे हैं वो आगे ना हो। बस क्विकली सर, मुझे ब्रेक। हाँ, मैं बस एक जुमला मैं कहूँगा। ये जितनी तजावीज़ आई हैं, मेरी एक तजवीज़ है जी सर, इसको मैं चाहता हूँ कि ये रिकॉर्ड पर आए और लोगों के सामने जाए कि छठी जमात से हमें पाकिस्तान में, पाकिस्तान के आइन में दिए गए तमाम हकूक के बारे में वो आगाही के लिए हमें छठी जमात से वो सिलेबस में शामिल कर लेना चाहिए। बड़ी अच्छी ये हकूक हासिल है पाकिस्तान के शहरियों को, वो छठी जमात से ही बच्चों को मालूम होने चाहिए और आइन का हिस्सा तदरीसी, बिल्कुल तदरीसी किताबों में, निसाब में चीज शामिल की जाए। बहुत अच्छी तजवीज़ इस सेगमेंट में आई है। इस खबर के मुतालिक हमने ये बात गुफ्तगू की। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो कश्मीर की इंतखाबी मुहिम अभी भी जारी है, क्या होने जा रहा है 25 जुलाई को, इस ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक टू द शो। प्रोग्राम के जिससे बात करेंगे हम आजाद कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से, और जाहिर इंतखाबात बड़ी अहमियत के हामिल हैं। होता तो कुछ यूं ही है कि हमने माजी में भी देखा कि जिसकी वफाक में हुकूमत होती है वही हुकूमत बनाता है, तो इस दफ़ा भी वही होगा जो है ऐसे ही होगा जैसे पहले होता रहा, या इस दफ़ा सूरत हाल होगी कुछ मुख्तलिफ। इंतखाबी मुहिम तमाम पार्टीज़ की बड़े ज़ोर शोर से जारी है। मरियम नवाज़ मुख्तलिफ जो है वो इज़ला में जाके इंतखाबी जलसे भी कर रही हैं, आज भी उन्होंने हवेली कहूटा में जलसा किया और बहुत ज़ोरदार बयानात खिताबात वो दे रही हैं, हुकूमत के खिलाफ तनकीद भी कर रही हैं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने, वज़ीर आज़म ने कल जो है वो खिताब किया, एक जलसा किया जिसमें उन्होंने गुफ्तगू भी की, उसको भी मुस्लिम लीग नून तनकीद का निशाना बना रही है। और मरियम नवाज़ ने कहा कि करोड़ों रुपये खर्च करके भी जलसा फ्लॉप हो गया, अब जब हुआ या कामयाब, 25 जुलाई को क्या होगा, कितनी पुरुमीद है खुद हुकूमत के इस बार भी वही होगा जो माजी में होता रहा, क्योंकि यहाँ पर पता नहीं क्या क्या इल्ज़ामात लगा दिए जाते हैं एक दूसरे को, गद्दार कह दिया जाता है, बड़े आसानी से गद्दार के सर्टिफिकेट बांट दिए जाते हैं। और ये सवाल मैं मुसरत चीमा साहिबा से भी करूँगी कि क्या गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे बगैर इलेक्शन मुहिम कम्प्लीट नहीं हो सकती है, और हुकूमत कितनी पुरुमीद है मुसरत साहिबा कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाएगी।
बहुत शुक्रिया सुमैया। सुमैया, उसकी वजह यह है कि अगर मैं पीपल्स पार्टी की और पीएमएलएन की कैंपेन देखूं तो इनको अगर मैं एक वन लाइनर आपको बताऊं कि चोर की दाढ़ी में तिनका कैसे, देखें तमाम हलकों के अंदर जिनके पास कैंडिडेट्स पूरे नहीं हैं वो इलेक्शन कैसे जीत रहे हैं, और जो रिज़ल्ट है वो तो ऑब्वियस है, थोड़ा वाजे है। उसकी वजह ये है कि ऑन ग्राउंड भी कुछ हमारे मीडिया के हजरात आपके चैनल के समेत लोगों ने जाके डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसीज के अंदर जो प्रोग्राम्स किए हैं वो वाजे पल्स ऑफ पब्लिक भी बता रहे हैं। प्लस मुझे ये बताएं कि सिंध कैसे जो जिनकी सिंध के अंदर जो परफॉर्मेंस है पीपल्स पार्टी की वो क्या जाके बेच सकते हैं, वो कश्मीर के अवाम को क्या जाके कोई ऐसी ऑफर उनके पास है जबकि वो देखते हैं कि कराची के अंदर कूड़ा नहीं उठाया गया, और ज़्यादा बात ना करें जहाँ पे शहीदों के मज़ारात हैं उन शहरों का हाल देख लें तो। और मैंने जो देखा है कि वहाँ पे आपको पता है कि पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा ओवरसीज़ जो कम्युनिटी है वो कश्मीर बेस्ड है, और वो लोग ज़रा ज़्यादा विजिलेंट हैं, उनको पता है कि डेमोक्रेसी के सम्राट बाकी दुनिया के अंदर क्या है और यहाँ पे क्या इनके साथ होता रहा। अब पीएमएलएन का हाल ये है कि चंद हलकों में उनके पास कैंडिडेट्स हैं और वो दावा कर रहे हैं अगर, तो फिर मैं इस चीज़ को क्या कह सकती हूँ। बाकी जहाँ तक है कि ज़्यादा दिन तो रह नहीं गए, ये घोड़ा और ये घोड़े का मैदान 25 जुलाई को समझ आ जाएगी। बाकी जहां तक आपने बात की, आई एग्री विद यू के गद्दारी किसको कहा जाता है, तो अगर मैं अपनी मुख्तसर दौरे हुकूमत की बात करूं जो कि 3 साल हमें फेडरल में मिले, और अगर मैं बात करूं केपीके की मिला के और हमारी 25 साल स्ट्रगल को इंक्लूड करके, तो सबसे ज्यादा मतलब डू मोर पे कौन जाके खुद पहुंच जाते थे, बिल क्लिंटन से इजाजत मांगते थे कि मैं हाजिर होना चाहता हूँ। हमने तो उनसे फोन पे बात तक नहीं की, हमने तो उनको ये कहा है एब्सोल्युटली नॉट, कश्मीर का मुकदमा तारीख भी गवाह रहेगी और अभी के लोग भी जानते हैं कि सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने हर फोरम के ऊपर ना सिर्फ उठाया बल्कि हम कभी उससे बैकआउट नहीं करते और ना हमने किया, लेकिन अगर अगर कोई मोदी के साथ जाती ताल्लुकात वाले उनको अपनी शादियों में बुलाने वाले अगर ये हमारे ऊपर इस तरह के इल्जामात लगाते हैं, तो मैं कहती हूँ अवाम इज द बेस्ट जज जो डिसाइड करेंगे, और कश्मीर के अवाम से ज्यादा ये चीज किसके क्लोज होगी। बिल्कुल, बहुत बात, और वो इनको बताएंगे कि किस तरह से आप और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है उन्होंने जिस तरह से न सिर्फ भारत को, अमेरिका को और तमाम दुनिया की आंखों में आंखें डाल के ना सिर्फ कश्मीर का मुकदमा लड़ा बल्कि प्रैक्टिकली इस दौर में यह साबित हुआ कि कश्मीर हमारी शहरग है। बाकी जहां तक इनका तो हाल ये है कि ये मोहतरमा लंदन में इनके अपने बच्चे, इनके वालिद भाई, उनके बच्चे, तो ये लोगों के बारे में जिस तरह से ये बात करती हैं तो वो इतनी मज़ेका खेज समटाइम सिचुएशन होती है। इनको चाहिए कि अपने स्पीच राइटर चेंज करें, जो जो कुछ ये लोग बोलते हैं क्योंकि सबकी तकरीरें हमें याद हो गई हैं, सबके जुमले आपको याद हो गए हैं। चलें चलें, पॉइंट देखिए मुसरत साहब, आपका पॉइंट आया। सुमैया एक बात, जी जी क्विकली एक बात सिर्फ मैं कर लूं, सिर्फ एक बात जी क्विकली। अच्छा, उसमें दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि इनको जो चीज़ समझ आनी चाहिए वो ये कि कश्मीर के अवाम बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं है, और इंशाल्लाह जिन्होंने कश्मीर का मुकदमा अच्छे से लड़ा है वो उन्हीं को ही वोट देंगे। मैं ये कहती हूँ जो पाकिस्तान के आयन के को तोड़ता है और गरीब अवाम का पैसा, टैक्स का पैसा उन ममालिक में जो कश्मीर दुश्मन पॉलिसी बनाने में रोल प्ले करते हैं वोट वहां जाके रखता है, तो वो चल जाएगा गद्दारी के या कुछ और के। राणा साहब से बात करते हैं। राणा साहब, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है कश्मीर में, ऐसा क्या नहीं कर सके आप लोग जो मरियम साहबा कह रही हैं कि हम 25 जुलाई के बाद नया कश्मीर बनाएंगे, वो क्या नहीं किया जो अब करेंगे आप लोग? देखिये, हमने तो कश्मीर के अंदर एक अच्छा डेवलपमेंट प्लान दिया, हमने बल्कि पूरे मुल्क के अंदर जो है अच्छी डेवलपमेंट की, बिजली के अंधेरे जो है वो दूर किए, गैस की लोड शेडिंग दूर की, सीपैक जैसा प्रोजेक्ट लेके आए, 5.8 पे जीडीपी की ग्रोथ की। लेकिन आपने देखा कि जो जलसे भी जो हो रहे हैं वो पीएमएलएन के कितने जो हैं वो जबरदस्त हो रहे हैं, और अवाम अपना रद्द अमल जो है वो जलसों के अंदर दे रही है, और उसके कंपेरिजन में जो इमरान खान साहब ने जलसा किया उनकी तकरीर के दौरान खाली सीटों की वीडियोज आ रही है कि आधा जो था मजमा वो खाली था, जबकि सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की गई, हर तरीके से जो है वो इस मशीनरी का इस्तेमाल लाते हुए वो जलसा फ्लॉप हुआ।
तो लेकिन 25 को एक एडवांटेज हुकूमत को हमेशा होता है क्योंकि फेडरल हुकूमत की तरफ से ही फंडिंग आती है, तो वो एडवांटेज है। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि इनके पास अवाम को ऑफर करने के लिए है क्या? अच्छा, आपके पास क्या है ऑफर करने के लिए? आप क्या ऑफर करते हैं? वफाक में तो आपकी हुकूमत भी नहीं है, आप क्या ऑफर करते हैं? हम अपनी जो हमारी परफॉर्मेंस है वो ऑफर करते हैं। हमने जो इस मुल्क के अंदर एक इकोनॉमिक टर्न अराउंड लेके आए, हम वो ऑफर करते हैं। हमारे दौरे हुकूमत में महंगाई की शरह जो थी वो, तो सर इलेक्शन कैंपेन में हम ये क्यों नहीं बताते? मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ कि हम ये ऑफर करते हैं, हम आपके ये महरूमियाँ दूर करेंगे, हम आपके लिए ये करेंगे। हम ये क्यों बताते हैं कि ये तो ज़मीर फरोश है, ये तो मुल्क फरोश है, ये तो गद्दार है, इसने तो कश्मीर भेज दिया? हमें ये बातें करने की क्यों ज़रूरत पेश आ जाती है? देखें, ये है एक हकीकत है कि जो 370 आर्टिकल है और 35A जो है वो 73 साल तारीख के अंदर पीटीआई के दौरे हुकूमत के ऊपर जो है वो शख़्स मारा गया। पाकिस्तान तरीके साफ कश्मीर में हुकूमत नहीं थी, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, राजा फारूक हैदर अभी वज़ीर आज़म है वहाँ के, जब ये सब कुछ हुआ। नहीं, देखें, कश्मीर की जो हुकूमत है वो एक अलहदा चीज है, लेकिन मुल्क के जो डिफेंसेज हैं वो तो फेडरल हुकूमत के नीचे आते हैं। मुल्क की फॉरेन पॉलिसी जो है वो तो फेडरल हुकूमत के नीचे आती है। तो ये जो शब खून मारा गया 73 सालों में वो इनकी हुकूमत में मारा गया। आप ये कहते हैं कि ये हुकूमत की तरफ से हुआ है, इनकी पॉलिसी है। देखिये, ये ट्रंप के पास गए सालिसी करने के लिए, आके इन्होंने जश्न मनाया कि हम वर्ल्ड कप जीत गए, और कुछ हफ्तों के अंदर जो है वो इंडिया ने शब्दखून मार दिया। तो ये तो एक, तो अगर आपकी हुकूमत होती राणा साहब तो आप लोग सालसी नहीं करना चाहते, आमों के तोहफे एक दूसरे को ना देते, ये सब कुछ ना होता अगर आपकी हुकूमत होती? देखें, इस तरह की मिसमैनेजमेंट ना होती, ठीक तरह के ये झूठ बोलते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि इन्होंने कहा जी अमेरिका को हम अड्डे नहीं देंगे, और पूरी कौम को पता चल गया, पूरी दुनिया को पता चल गया कि वो अड्डे मांग रहे हैं। इस तरह के इश्यूज पे मुझे लगता है कि हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए। मुल्क की सलामती के मामलात होते हैं, हम सब सियासतदानों को सियासत एक तरफ रख के इकट्ठे होना चाहिए। ये मेरा पॉइंट है, आप अग्री और डिसअग्री कर सकते हैं, पॉइंट टेकन। लगारी साहब, क्या लगता है आपको, आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात, वाकई देखिए अहम इंतखाबात तो हैं, लेकिन तमाम जमातें एक दूसरे पर जब इल्ज़ामात लगाती हैं, कश्मीर को इशू बना के, एक दूसरे को गद्दारी के इल्ज़ामात लगा के, क्या ये इल्ज़ामात लगा के आप कश्मीरियों का वोट अपने हाथ में कर सकते हैं कि वो इतने मासूम हैं कि उनको समझ आ जाएगा कि जी ये सौदा कर रहा है तो इसको तो वोट नहीं देना हमने? दो तीन चीज़ें हैं जिनको बहुत ज़्यादा वाजह करने की ज़रूरत है। एक तो हमारी बहन मुसरत ने कहा कि जी इनके पास तो कैंडिडेट ही पूरे नहीं है। आज़ाद कश्मीर की सरजमीन पर होने वाले हालिया इंतखाबात जो 25 जुलाई को हो रहे हैं, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तीन ऐसी जमातें हैं जो एक एक सीट पर कंटेस्ट कर रहे हैं। कोई एक सीट किसी जमात ने खाली नहीं छोड़ी हुई है, पहली बात तो ये, ना पीपल्स पार्टी ने छोड़ी है कोई सीट, ना PMLN ने छोड़ी है और ना PTI ने छोड़ी है। हाँ, एक सीट छोड़ी है जो जम्मू और कश्मीर के मुहाजरीन हैं वैली के, उनकी एक सीट छोड़ी है PMLN ने, और दो सीटें छोड़ी हैं पीपल्स पार्टी ने, और PTI की वहाँ सारी सीटें 13 की 13 सीटें हैं। एक सीट छोड़ी है, मेरे पास वो सारी लिस्ट है कैंडिडेट की, एक एक चीज़ मौजूद है और उसमें किसी ने कोई सीट नहीं छोड़ी हुई है। हमें इस बात को, चूँकि उस दिन फवाद चौधरी साहब ने भी यही बात की थी और यही बात जो है वो मुसरत चीमा साहबा भी कर रही हैं, तो हमें इस बात पर नहीं जाना चाहिए कि उनके कैंडिडेट, हल्के लोगों को पता होता है जहां इलेक्शन हो रहा है कि हमारा कैंडिडेट कौन है और किस जमात से है। एक चीज़ तो ये है, और दूसरी चीज़ ये है कि हमारा एक पूरा प्रोसेस है। कश्मीर के इलेक्शन इसलिए ज़्यादा अहम है कि हमारा ये मतालबा है, पाकिस्तान का ये मतालबा है, पाकिस्तानी अवाम का ये मतालबा नहीं है, आज से नहीं 74 साल से ये मतालबा है कि कश्मीर के अंदर इस्तिस्वाब राय होना चाहिए। सही है। इंडिया के बारे में दुनिया को मालूम हो चुका है कि इंडिया के अंदर जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन नहीं होता है, वहाँ पर सिलेक्शन होता है, चूँकि लोग बायकॉट करते हैं, घरों से बाहर नहीं निकलते हैं, और इंडिया को इसमें शिकस्त होती है अगर फारूक अब्दुल्ला आ जाए, अगर मुफ्ती सईद आ जाए, अगर उनकी बेटी आ जाए महबूबा मुफ्ती आ जाए, अगर गुलाम नबी आज़ाद आ जाए, अगर उमर अब्दुल्ला आ जाए या शेख अब्दुल्ला आ जाए, तो उसमें ये वाज होता है कि कश्मीरी अवाम एक अपील पर कोई भी कर दे वो इलेक्शन में नहीं जाते हैं, और वो कर्फ्यू का समय होता है और इलेक्शन हो रहा होता है। ठीक है, लेकिन
पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो रहा होता है, अब तक होता रहा है, इसमें एक बात आपको दिखानी है, दुनिया को दिखानी है कि अगर अगर इलेक्शन के अंदर रिगिंग हुई, अगर मैनिपुलेशन हुई, अगर इलेक्शन इंजीनियर किए गए, इलेक्शन चोरी किए गए, सही है, कहीं से भी ये लगा, तो फिर आपका एतबार खो जाएगा, आपका एतबार खो जाएगा, यहाँ पर आकर हाँ। लोगों को बावर कराना मुश्किल हो जाएगा कि आप लोगों के वोटों के तहफ्फुज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लगारी साहब बहुत शुक्रिया, मुसर्रफ आपका भी और राना एहसान साहब आपके भी वक्त का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे और वापस आके पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो हालिया ताल्लुकात जिस रुख पर जा रहे हैं उस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। कुछ दिनों पहले हमने एक खबर आपके साथ शेयर की थी कि सरहद पार हिंदुस्तान में एक पाकिस्तानी बच्चे के वर्सा की तलाश है और ईदी फाउंडेशन से उनका रब्ता हुआ था, उनके तवस्सुस से हमने अपील की थी कि बच्चे की तस्वीर भी हमने चलाई थी और आज अच्छी खबर ये आ गई है कि इस बच्चे के वर्सा मिल गए हैं। फैसल ईदी साहब हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। फैसल साहब सबसे पहले तो आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि ये खबर जो आपने ज़ाहिर हमारे साथ शेयर की, ये खबर चली और आज ये खबर भी सामने आ रही है कि इस बच्चे के वर्सा मिल गए, रब्ता हो गया उनसे। हाँ बिल्कुल, हमारे जो है वो कश्मीर के ऑफिस का रब्ता हुआ है। ये कश्मीर का इलाका है बिम्बर, उसमें एक सेम फैमिली जो निशानियाँ उसने बताई थी कि मेरे घर में तीन बहनें और तीन भाई हैं और 2014 में वो मिसिंग हुआ था, तो सेम वही तारीख है, उसकी मैच हो रही है और जो है इसके वालिद जो है वो लंगड़ा के चलते हैं, तो उस फैमिली के में जो वालिद हैं वो लंगड़ा के चलते हैं, तो ये निशानियां मैच हो गई हैं। अभी बात नहीं हो पाई है, बिम्बर काफी जो है वो कच्चे का इलाका है, अच्छा। तो रह रहे हैं मजदूरी के लिए, वो जैसे ही आएंगे शाम को अभी एक आध घंटे में तो फिर बात हो सकेगी उनसे। तो ये अब ये रब्ता हो गया है, लेकिन अब ये बच्चा जो ज़ाहिर सरहद पार है इसकी तब हवालगी के हवाले से क्या प्रोसेस होगा और उस हवाले से आप क्या रब्ते कर रहे हैं? इसमें ये होगा कि फिर पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री को हम दरख्वास्त लिख देंगे कि ये बच्चा इंडिया के जो है वो गूंगे बेरे स्कूल में मौजूद है और फलां स्कूल में मौजूद है, आप इनसे रब्ता करें इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री से कि ये बच्चे को ट्रेस करके फौरी तौर पे पाकिस्तान भेजने का बंदोबस्त करें। और इसमें कितना वक्त दरकार होता है? इसमें टाइम लगेगा क्योंकि इसमें बहुत सारी दो तीन सरकारी हुकूमती मशीनरी इन्वॉल्व है और पाकिस्तान में चूंकि अब ईद के दिनों की वजह से सारा बंद है तो अब ईद के बाद ही सारा ये प्रोसेस होगा। अच्छा, लेकिन तमाम निशानियाँ मैच कर गई है, क्या आपका खुद रब्ता हुआ, क्या घर वालों से, इनके वर्सा से इस बच्चे की आपकी खुद बातचीत हुई फैसल साहब? हाँ, इनके पड़ोसी से जो है वो रब्ता हुआ है और उन्होंने ये सारी निशानियां बताई हैं और उनके वालिद का हम बस इंतजार कर रहे हैं, उसके वालिद ने इसके वालिद को जो है वो, क्योंकि हमने ये अखबार में भी दिया था, आपके बोल न्यूज में भी ये सबसे पहले चलाया जी, था जी। और इसके बाद अखबार में भी हमने दिया था मकामी, तो वहां से इन्होंने जो है वो इस बच्चे को ट्रेस करके उन्होंने कहा है कि शक्ल तो थोड़ी सी चेंज है लेकिन तारीखें और सारी निशानियां जो है वो हमारी ही मिलती हैं। और ये इलाका कौन सा है एक बार आप बताइए, कश्मीर का ये कौन सा इलाका है जहां से आपसे रब्ता हुआ है? ये कश्मीर में बिम्बर शहर है, जो है वो मीरपुर से थोड़ा फासले पर है, सही है। मीरपुर आजाद कश्मीर से थोड़ा फासले पर है बिम्बर शहर, ये वहाँ के रिहायशी है बिम्बर शहर, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया आपका फैसल ईदी, ज़बरदस्त खबर और बड़ी खुशी की बात है और हमारी दुआ है कि अब ये रब्ता हुआ है तो ये बच्चा अपने एक वर्सा को मिल भी जाए। ये 10 साल से मिसिंग था और ऐसे बहुत से लोग हैं जो मिसिंग हैं और उन सब के लिए हम दुआ गो हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस तरह मैं ब्रेक से पहले बता के गई थी कि अभी हालिया जो सूरत हाल है पाकिस्तान अफगानिस्तान की उस पर बात करेंगे और अफगान सफीर की बेटी के हवाले से जो सारा मामला चल रहा है जिसमें अब खुद शेख रशीद वजीर दाखिला का कहना है, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बात कही है कि सारा ये रॉ की तरफ से ये प्रोपेगेंडा जो है वो किया जा रहा है, पाकिस्तान तमाम तरह प्रोपेगेंडो का सामना करने के लिए किस तरह की तैयारी में हो करनी भी चाहिए, इसी बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है ब्रिगेड टाइड हारिस नवाज साहब। हारिस साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जिस तरह सूरत हाल तब्दील हो रही है ज़ाहिर उसके असरात भी नज़र आना शुरू हो गए हैं, रॉ जिस तरह से अपना काम कर रहा है ज़ाहिर उसको अपना काम जो उसका रुक गया है उसको यहाँ पर करना है, पाकिस्तान क्या करे इस प्रोपेगेंडे का, इस तमाम तर चीज़ों का सामना कैसे करे
और तैयारी हमारी क्या होनी चाहिए अभी हालिया वाक़े को अगर हम ले लें तो? देखें, इसमें हमें बड़ा प्रोएक्टिव होने की ज़रूरत है और हमें दोनों, एक डोमेस्टिक अपने अपने, हमें अपनी पॉलिसी को देखना चाहिए कि इंडियन रॉ कितनी पेनिट्रेट कर चुकी है, किस तरीके से अफगान सफीर का जो उन्होंने बेटी का जो एक इशू बनाया है, ड्रामा रचाया है, ये ड्रामा तो उनका शुरू से है, चाहे पठानकोट की बात करें या उड़ी की बात करें या पुलवामा की बात करें, ये हमेशा से इसी तरह कर रहे हैं और ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन होती जा रही है। और पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए इसलिए कि अफगान अमन में जो पाकिस्तान में इंपॉर्टेंस मिली हुई थी उसको डाउनग्रेड किया जाए, अभी जो कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी वो भी इन्होंने मिल मिला के वो मुलतवी करवा दी है। फिर उसके बाद अगर एक और आप देखें तो ये जिस तरीके से हालात कर रहे हैं बड़ी ख़तरनाक है। अफगान प्रेसिडेंट ने कॉन्फ्रेंस में जो है सेंट्रल साउथ एशियन में, उसमें इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान का बड़ा नेगेटिव एटीट्यूड है, और फिर उसको नायब सदर ने कहा कि 10,000 मुजाहिदीन पाकिस्तान ने भेज दिए, फिर उनके एक अल्तार ने कहा जी कि वो वहाँ पर स्पिन बोलते के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स गई, ये मन घड़त बातें कर रही हैं। तो पाकिस्तान को हमें इस पर स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए, हमें अफगान गवर्नमेंट को वार्न करना चाहिए। उसके बाद मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि हमें अब जब जयशंकर ने खुद कहा कैफे टीएफ में पाकिस्तान जी, वो मामला भी है, तो इसका मतलब है कि हमें इनसे क्यों ताल्लुकात रखें, हमें अपना सफारती अपना इन इस मुल्क से हटा लेना चाहिए। दुनिया को पता चले कि दो न्यूक्लियर मुल्क जो है वो आपस में इख्तलाफ बढ़ता जा रहा है, खतरनाक हालात हो रहे हैं, फिर लोग आएंगे। जब तक हम कोई एक्शन नहीं करेंगे, हम स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं करेंगे, नहीं तो हम अभी भी सालसी की बात करते हैं, हमारी हुकूमत का रवैया अभी भी सालसी की तरफ है, हम अभी भी मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हम अभी भी उस दुश्मन से बात करना चाहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमारे मुल्क में प्रोपेगेंडा और साजिशों में मसरूफ है। तो हमारा जो रिजिड एक्शन होना चाहिए हुकूमत की तरफ से वो क्या होना चाहिए? देखिए, अभी हमें इंडिया से बड़ा सख्त रवैया रखना चाहिए, सही, हमें कोई मुज़ाकरात की बात नहीं करनी चाहिए, हमें उनसे कोई ना कोई कारोबार करना चाहिए, हमें उनकी कमर्शियल फ्लाइट बंद करनी चाहिए, हमें अपने सफारती अमले को कम कर लेना चाहिए। उन्होंने 8 का पहले बुला लिया, अपनी मर्जी से सफीर भी बुला लिया, हमने भी 8 बुला लिया, अभी हमें 8 बुला लेने चाहिए ताकि दुनिया को ये पता चले कि पाकिस्तान और इंडिया के जो न्यूक्लियर मुल्क हैं इनके हालात ख़राब हो रहे हैं और हमें इंटरवीन करना चाहिए। और पाकिस्तान साथ ही साथ चाइना को, रशिया को, ईरान को, तुर्की को, अपने हमसाये मुल्कों को बताएं अपने रीजन में कि जी ये हालात हो रहे हैं, इंडिया आग से खेल रहा है, अगर खुदा न खास्ता ये कश्मीर फ्लैश पॉइंट है, अगर यहाँ लड़ाई हो जाती है इसके क्या हालात होंगे इस रीजन में। आर साहब, ये आलमी दुनिया की इल्म में लाने से ज़्यादा और क्या करें कि अब जब वजीर खारजा इंडिया का ये एतराफ़ कर रहा है कि फैटफ की ग्रे लिस्ट में हमने ही रखा है पाकिस्तान को, हमारी कोशिशों से हुआ है, ये चीज़ें फिर रॉ की दीगर जो साजिशें और प्रोपेगेंडा पाकिस्तान में अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करना दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान में, और फिर पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के इल्ज़ाम लगाना, पाकिस्तान आलमी दुनिया के सामने मामला किस तरह और कितने बेहतर अंदाज से बार बार उठाए। देखें, उसके बाद ये है कि हमें जो एक यूरोपियन यूनियन है, यूएसए है, उसके बाद यूनाइटेड नेशंस है, उनके सारे सफीर यहाँ पर हैं इस्लामाबाद में, या तो उन सबको बुला के हमारा फॉरेन ऑफिस ब्रीफ करे व्हाट ऑल इंडिया इज डूइंग इन पाकिस्तान इंक्लूडिंग टेररिज्म फ्रॉम अफगानिस्तान साइड से उनके रॉ के साथ, जो ये चीज जब उनको बताएंगे दुनिया को पता चले कि इंडिया क्या कर रहा है। फिर साइबर क्राइम भी देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर तक उन्होंने जो एक वो इसराइल का लिंक है वो सारा इस्तेमाल करके ऐप, तो वो हमारी हर चीज नोट कर रहे हैं, ये हर चीज सामने है, दुनिया को बार बार बताने की जरूरत है। हारिस साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। असल दहशतगर्द और असल प्रोपेगेंडा मास्टर जो है पूरी दुनिया में दहशतगर्दी की बुनियाद डालने वाला भारत है, और भारत के कहां कहां तक नेटवर्क हैं और कहां कहां वो किस तरह से प्रोपेगेंडा कर रहा है पाकिस्तान को बार बार ये बताने की जरूरत है। प्रोग्राम का इंशाल्लाह नाज़रीन वक्त खत्म होता है, आपसे कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।